पानी का जग भर के लाते हैं। हाँ, ताकि उसमें डूब के मर जाऊं मैं। जी कहाँ कह रहे हो सर बाबू? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। क्या जरूरत थी घर वालों के सामने तुम्हारे और सत्यकाम के रिश्ते के बारे में बात करने की? कहा था ना तुमसे कि अपना मुंह बंद रखना। हम बस बाबा की सलामती के लाने कनु भैया से प्रार्थना कर रहे थे, और इतने में आपके बाबा ने सुन लो। झूठ, सब झूठ। प्रार्थना इंसान मन में करता है, ऊंची आवाज में नहीं। जानबूझ के तुमने बाबा को बताया मुझे एक नई मुसीबत में फंसाने के लिए। मेरी खुशी से तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों तुम मुझे खुश नहीं देख सकती? सरी बाबू, ऐसा कछु नहीं है, बस बाबा के लाने थोड़े से परेशान थे। नहीं, वो पर्चे के बारे में बताना ठीक नहीं होगा सहरी बाबू को। ये सब सुन के सहरी बाबू की चिंता और बढ़ जाएगी, और कल तो उनकी सगाई भी है। अब चुप क्यों बोलोगी? जरूर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता। आखिरी बार बोल रहा हूं, कल मेरी और अनुषा की सगाई है और बहुत जल्द हमारी शादी। हमसे और हमारे रिश्ते से दूर ही रहना, और ऐसी कोई भी गलती मत करना जिसकी सजा तुम्हें बाद में भुगतनी पड़े। खेल खेल लो तुमने, अब हम तुम्हारा खेल खत्म करें। प्रताप, 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 हिम्मत कैसे भाई तुम्हारे? हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ। ब्याह को तभी मानो जात है पूरे रीति रिवाजों के साथ होता है। हम भी है ब्याह को तभी माने जब हमारे कबीला के नियम के हिसाब से हुई है। सजा तो भुगत ही रहे हैं सहरी बाबू, वो भी कोनो गलती के बिना। मैं जानता हूं शरद कि तू मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, और मैं ये भी जानता हूं कि तू भाऊ के फैसले से खुश नहीं है। हाँ, वहां सबके सामने बात नहीं कर सकते थे हम लोग। चला बता, क्या बात करनी है तुझे? दादा, मोही को अपने घर में रखना हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और भाऊ इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो मोही को अपने घर में रख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनका ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। देख शरद, भाऊ का फैसला सही हो या गलत, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज तक इस घर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए वो भाऊ ने ही लिए हैं, और रही बात तर्क वितर्क की, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर में फैसला भाऊ का ही माना गया, और आज भी हम भाऊ की बात ही मानेंगे। दादा, बात माने या ना माने की नहीं, बात सही या गलत की, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुश हैं भाऊ के इस फैसले से? क्या आपको लगता है कि इस बार जो उन्होंने फैसला लिया वो सही है? एक बात बोलूं शरद, नहीं, इस
बार भाव का फैसला एकदम सही है। बात अलग है, अब मोही सत्य काम को जानती है, इसमें उस बिचारी की क्या गलती है? इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो दोषी हो जाती है। हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं, इस वजह से हम उस बिचारी के बारे में सोच ही नहीं रहे। देख शरद, इस बारे में बाद में बातें होती रहेंगी। कल हमारे बेटे आयुष की सगाई है, तो हमें अपना मूड अच्छा रखना है। चल। इसका कोई रिश्ता है उस बागी सत्यकाम के साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं कह रहे हैं आयुष, मोही ने कहा है। मोही ने माना है कि वो सत्यकाम को जानती है। जानता हूं किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे। मैं रोज आपकी पूजा नहीं करता हूं इसलिए ना, पर मानता तो हूं आपको। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैंने मोही को इतना बुरा भला कहा, पर क्यों कहा ये भी तो सोचो। उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, चैन की सांस तक लेना मुश्किल हो गया मेरा। हर अनुषा को तो पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कि मैंने कितना बड़ा धोखा दिया है उसे। डॉक्टर अनुषा दीक्षित सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी होने वाली मंगेतर भी है। तुम जैसे जा रहे हो ना वैसे ही वापस आ जाना, वहां जाकर किसी गांव की गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना। गांव की गोरी का तो कोई चांस ही नहीं मैडम, क्योंकि मैं यहां ऑलरेडी एक शहर की डॉक्टरनी का पेशेंट बन चुका हूं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबसे लड़ना क्यों ना पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूं अनुषा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मूवी को पता था, उसे पता था मेरे और अनुषा के रिश्ते के बारे, उसके बाद भी उसने मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दी। उसमें मेरी क्या गलती? मुझे उसकी सजा क्यों मिल रही? और मैं उस गलती की सजा क्यों भुगतूं जो मैंने की ही नहीं है? कल एंगेजमेंट के बाद मैं खुद को बदल लूंगा, मैं फिर से वही आयुष गोखले बन जाऊंगा, हमेशा खुश रहने वाला, अपनी फैमिली से प्यार करने वाला, और उससे भी ज्यादा अनुषा को चाहने वाला। रही बात मोही की, तो वो है ही क्या, गांव की एक बेवकूफ लड़की जो इस घर में काम करती है, बस। इससे ज्यादा ना वो मेरे लिए कभी थी और ना कभी होगी। ना कोई मेरी सोच बदल सकता है, ना ही मुझे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।